निःशब्द क्षेत्र के करीब 25 से 50 लोग मिलकर मेरे कार्यालय आए, जिन्होंने ये बताया था कि हमने जनवरी 2019 में अखबार में विज्ञापन देखा था जिसमें प्रधानमंत्री लोन योजना, मुख्यमंत्री और भामाशाह ऋण योजना के नाम पर विज्ञापन दिए थे, जिसमें जानकारी दी गई थी कि व्यक्तियों का लोन किया जाएगा जो गाँव और गाँव के किसान है और छोटे छोटे दुकानदार है। इस संदर्भ में सभी लोगों ने मेवाड़ मोटर्स स्थित ऑफिस आए और प्रति व्यक्ति 5,500 रुपये के आसपास की राशि इन्होंने कार्यालय में जमा कराई। इन लोगों ने षड्यंत्र रचते हुए सरड़ा क्षेत्र के अंदर अपना कैंपेलेंस भी आयोजित किया, जहां पर विभिन्न लोगों को इन्होंने जानकारी दी और सभी लोगों से लेकर करीब 5,500 रुपये के आसपास की राशि सभी के साथ ली गई है और सभी लोगों को इन्होंने स्पेशल नंबर जो कि प्रधानमंत्री से रिलेटेड एक नंबर है, उस नंबर से इन्होंने सभी लोगों को मैसेज किया कि आपके लोन सेंक्शन हो गए। 15 दिन बाद जब लोन की राशि इन व्यक्तियों के बैंक अकाउंट में नहीं पहुँची तो सभी लोग मेवाड़ मोटर्स स्थित गली स्थित ऑफिस आए तो देखा यहाँ ताले लगे हुए मिले। तो इस प्रकार इन सभी लोगों के साथ जो करीब 150 से 200 लोगों के साथ 5,500 रुपये की राशि लेकर पैराडाइज फाइनेंशियल सर्विसेज ने सरकारी योजनाओं पर ऋण दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की है, जिसके संदर्भ में आज जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर राजस्थान को सभी लोगों ने उपस्थित होकर ज्ञापन दिया कार्रवाई बाबत और जिला पुलिस अधीक्षक ने इस संदर्भ में FIR दर्ज करने के आदेश दिए। साथ ही सभी लोगों को विश्वास दिलाया कि उचित कार्रवाई बहुत शीघ्र की जाएगी। उक्त जो FIR है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 120B 460, 468 के तहत काटी गई है और जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा FIR दर्ज करके कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए। अगर आप 10% निकाल भी दोगे ना तो भी 25% का फायदा मिल रहा है। सबसे बड़ी बात वो क्या जो होता है बाद में हाँ। उनके लिए आपत्ति नहीं आ जाएगी। आप 10,000 के जगह अभी एक तो बोल रहे मोरा सच है ठीक है। ऑफिस में आइए।
तेरा क्या नाम होता है? सीता देवी। हाँ सीता देवी। दो का वो? समारा। संगीता मीना समारा में? हाँ। तीन का है? दो नाम दो तेरो। नहीं करते। ऐसा निकाल क्यों कर जाता? तीन का ही है। इसका ही है? हाँ। इनके घर के नाम है? ताना भी का। सब साथ में करके ये तो कितने है कौन देवी केसू एट थ्री जीरो एट